Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe. Oh Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe. Krishna. जीवन में कई बार कुछ ऐसे महनीय पल होते हैं कुछ ऐसे कीमती क्षण जो आपके जीवन को उच्चता प्रदान कर देते हैं जीवन में हर्ष उल्लास और दिव्यता का बोध करा देते हैं कुछ ऐसे महनीय पल होते हैं जीवन के बहुत बड़े हिस्से में से कहीं कुछ कुछ क्षण कुछ मिनट कुछ घंटे ऐसे निकल आते हैं जिनके कारण जीवन में एक दिव्यता की अनुभूति होती है आपके चारों ओर एक प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है हर्ष और उल्लास आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है जो आपके जीवन को कई बार एक नई दिशा दे देते हैं आपके सोचने के ढंग को एक नई दृष्टि दे देते हैं और यदि वो पल वो क्षण कथा की कोख से निकले हों तो वो आपके अनेक अभावों और कष्टों का भंजन कर देते हैं यदि वो महनीय पल कथा की कोख से निकले तो न जाने दिव्यता में कौन सी बात आपको ऐसी मिल जाए जो आपके जीवन की किसी ग्रंथि को बड़ी सहजता से सुलझा दे कुछ ऐसे महनीय पल होते हैं जो बिना पद भंडारण के बहुत सारे सुविधाओं के बिना बहुत सारे आवरणों के बिना बहुत सारी उपलब्धियों के बिना भी आपको बहुत आनंद दे देते हैं आपके जीवन में चारों तरफ एक प्रसाद की बूंद जागृत कर देते हैं कुछ ऐसे महनीय पल जो कई बार संतों की टोली में कहीं किसी नदी सरोवर के तट पर कहीं कथा प्रांगण में कहीं धर्म की गोष्ठी में ऐसे क्षण हमारे हाथ लग जाते हैं कि वहां हमें जीवन जीने के कुछ नए दिव्य सूत्र मिल जाते हैं और फिर जीवन में जो अभाव है जिसे लेके हम चिंतित व्यथित अनेक प्रकार के प्रश्नों को लेके घूमें उन सभी को एक साथ उत्तर मिल जाता है अमृतो उपलब्धि जीवन में एक अमृत का भान होने लगता है अपनी कीमत पता चलने लगती है ऐसा लगने लगता है कि मैं व्यर्थ नहीं हूं मेरा जीवन भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो कभी बड़ा दबा कुचला सा ऐसा फालतू सा जो लगता है कि हमारा जीवन तो किसी काम का नहीं है हम तो नित्य सुबह उठते हैं घर गृहस्थी के कार्यों में लग जाते हैं और फिर निकल जाते हैं लेकिन वहां आपको बोध होता है कि ये जो कार्य जो तुम कर रहे हो ये असल में एक सिद्धि है क्योंकि जब तक अपवर्ग नहीं होगा सिद्धि की भी प्राप्ति नहीं होगी आपको होने का बोध होने लगता है
ऐसे महनीय पल कथा की कोक से प्रसूत होते हैं। सतह पे शोर है, ऊपर हल्ला गुल्ला है, लेकिन अंतःकरण में मौन है। जब आप कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिल जाती है, तो आप शांत हो जाते हैं। जब तक आपको बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं मिली है, आप शांत भी नहीं होंगे। बौद्ध मौन हो गए थे। जैसे ही महात्मा बौद्ध को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो मौन हो गए। किसी ने कहा कि आप कुछ कहिए, आपका जन्म तो बड़ा अभिलाषाओं के बाद हुआ है, बड़ी प्रार्थनाओं के बाद आपका अवतरण हुआ है, आप कुछ कहिए, हमें कुछ संदेश दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिसे समझना होगा वो मेरे मौन से समझेगा, मेरी आकृति से समझेगा, मेरे हाथों के चिन्हों से समझेगा। बोले लेकिन वो जो आपको सुनना चाहते हैं, जो निर्वाण के बिल्कुल अंतिम छोर पे हैं, जिन्होंने अपनी सभी गुंथियों को सुलझा लिया है, अब वो अपने आखिरी पायदान पे हैं, बस उन्हें निर्वाण मिलने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है, मुक्ति मिलने वाली है, उनके लिए तो कुछ कहिए। बुद्ध ने कहा कि वो भी मेरे मौन से समझेंगे, क्योंकि मौन जिस तरह आंसू, आपके जब आंसू निकलते हैं तो आपको बताना नहीं पड़ता आप क्या कहना चाह रहे हैं, सामने वाला समझ जाता है। ऐसे ही कई एक स्थिति है कि मौन से व्यक्ति समझ जाता है। जब आप बहुत बोलते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, तो कई बार आपको नकारा जाएगा, लेकिन जब आप बोलना छोड़ देंगे, आप मत मांगिए भोजन, तो फिर लोग आपसे स्वयं पूछेंगे कि आपने भोजन नहीं किया, सबसे पहले पूछेंगे। तो मौन की एक अपनी भाषा है, यह शोर शराबा सतह का है, अंतःकरण में मौन है। जब ऋषभ देव को दिव्य ज्ञान हुआ तो वो मौन हो गए, लोग उनके पास जाने लगे कुछ पूछने के लिए कि हे तात, हमें कुछ बताइए, हमें कुछ ज्ञान दीजिए। हमें कुछ मार्ग सुझाइए। तो ऋषभ देव भयभीत हो गए उन लोगों से, मुख में पत्थर रख लिया, सबसे कहा मैंने पत्थर रखने का व्रत लिया है, मैं बोल नहीं सकता, मौन रहूंगा। इस धरती के राजा, चक्रवर्ती, सम्राट में ऋषभ देव की बात कर रहा हूं, मौन हो गए। फिर भी जब लोगों ने उनसे बहुत जिज्ञासाएं ले लेके अपने उनके पास जाने लगे, तो ऋषभ देव अपनी भ्रष्टा खाने लगे कि मुझे मौन रहने दो, क्योंकि जो मौन का महत्व जान जाएगा कि मौन कितना शक्तिशाली होता है। एक राजा का तोता है मित्र, उस राजा का कोई मित्र नहीं है, यद्यपि उसकी पत्नी है, यद्यपि उसके राज परिवार में अनेक बड़ा कुटुंब है, उसके दरबार में पुरोहित हैं, अमात्य हैं, सेना नायक हैं, श्रेष्ठ जन हैं, लेकिन उसका कोई मित्र नहीं है। वो किसी से अपने हृदय की बात नहीं कह पाता, वो दुखी, व्यथित, परेशान हो जाता है, उससे कोई चिंतन करने वाला नहीं है, किसके साथ मैं अपनी मंत्रणा करूं, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा मेरी भोली बातों को जानकर।